जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आएगा, सबके काम आए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रहा, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुम रुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। कितना भी दुख दुख पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहां तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प, दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती, वो कांता चक्र है जो नारायण के, वो नारायण के। जब कोई दवाई शरीर में नहीं लगती, शुगर हाई जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, गोली खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रही, और एक बेलपत्र के ये दो पत्ती के बीच में आप लोग थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आप जरूर उसका स्मरण करेंगे, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो एलईडी के माध्यम से स्मरण करेंगे। तीन पत्ती की बेलपत्र रहती है, जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहां से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, करना जरूर, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पत्र आए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला, करो, कहीं सियोर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। तीन पत्ती का बेलपत्र होता है, जब भी हम शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर दो पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उस डंडी को पकड़कर बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर का स्मरण कर इन बेलपत्र को बीच दो पत्ती और तीसरी पत्ती के बीच में जो खाली जगह है डंडी उसको पकड़कर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाओ। दिन में अगर आज की आज शुगर को लेवल नीचे लाना है तो दिन में तीन बार कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाओ, शाम को चेक करना शुगर नीचे की ओर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी। कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर पांच दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर उसको यदि खाया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है, महाराज बड़ा बड़ा सुंदर भाव, पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी।
पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी, ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी, जिनका दो चार महीने का बच्चा हुआ और अवर्षण हो गया, फिर दो तीन महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर दो चार महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर दो चार महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है। ये दो तीन जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं। जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोयरासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई या चर्म रोग हो गया। गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो। और पीवरी माता का स्मरण कर सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो, दो तीन बार करोगे चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त होता है। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है, सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं। जिसका लीवर काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रहा और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए और उसमें सात बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं, सात बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये दो पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जा, बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। सात बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना है और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवाधिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए। जो जल आप लेकर धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में दो बार हो रहा है तो हफ्ते में एक बार होगा, फिर महीने में एक बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। और एक बात अपने भीतर उतारिए, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है, तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया, किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं यहां पर, हम क्या बोले उसको,
जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं, मिट्टी की बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना दो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो जैसे मावे का खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंड, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है विलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अजपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और नवे नंबर पर आता है शंभु, दसवें नंबर पर आता है चंड और ग्यारहवें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाए और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे बार दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नंबर पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है 11 सोमवार, और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हों चाहे 15 साल हो गए हों, गर्भ जरूर फिरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहां पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है, लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा अपने जीवन में, जो एक बार शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता, एक प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी में। जितने लोग कथा सुन रहे हो, वैसे तो आप लोग मंदिर जाते हो, पर एक प्रैक्टिकल करिएगा, जितने लोग शिव के मंदिर जो नया नया जाता है, पहली बार जाता है या दूसरी बार जाता है, जो शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो पूरा को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है, हल्दी में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए, चंदन में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए, अभीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है, अभीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अभीर डलता है, चमकदार आपने देखा होगा अभीर, तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अभीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काहे के लिए होता है वो? रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी स्मरण होता है महाराज, जो महापुराण की कथा चल रही है जिसमें मधुता का भाव कहा गया, कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं, तो उसमें से जरा सा शहद एक चम्मच में रख लें, वो चौखट पर लगा देने पर बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है, घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, समृद्धि। दो निर्णय पर आप बैठे हो, एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब दो नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बिलपत्र लेकर
भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो, वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दे, शिव जी के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दे, शंकर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दे, जो एक बार शंकर भगवान की सेवा में एक दिन गया, एक बार लग गया, फिर मेरा भोलेनाथ उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, पकड़कर अपना बनाकर रख, मेरा शिव उसको अपने पास बहुत कर जाए, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर जा चुके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर शमी के पेड़ के नीचे हम क्या कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम क्या कर जाएं कि हमारी कामना सिद्ध हो जाए। एक लोटा पानी, एक कलश जल, उसमें चंदन घोलकर, अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते उसमें डालकर, शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाता। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे, आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं खूब मेहनत करो दिल से, पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर 5 बेलपत्र समर्पित कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू है, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मेरा देव अधिदेव महादेव अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती जरूर। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा वो सहज नहीं। एक पत्र है, आज भी नियम है जिसको शनि लग जाता है, एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे तर सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर, अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। काशी कितनी मूलता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।